क्या हुआ गंगा जी? प्राइम में नीचे गिर गई थी ना, आपको भी यही लग रहा था ना गंगा जी? हाँ, थैंक गॉड, मेरी तो जान ही सूख गई थी। तो इतनी डर गई थी, फिर जब गुड्डन सासू माँ ने कहा कि छोटी गुड्डन ऊपर है, तब जान में जान आई। पर प्रेम नीचे गिरा कैसे? कोई बात नहीं दुर्गा जी, अब इस बात का पता तो हम लगा कर रहेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमारी बेबी की जान का सवाल है, एक बार ये सस्पेंस सॉल्व हो जाए तो जिसने भी ये किया है ना, उसे नानी ना याद दिला दी तो हमारा नाम भी छोटी गुड्डन की माँ बड़ी गुड्डन है। चलो मम्मा को उनकी मिस्ट्री सॉल्व करने दो, मैं बेबी को ऊपर रूम में सुला के लाता हूँ। चले आई अच्छा, गंगा हम हैं, बार बार बोल रहा हूं, गुड्डन को हल्की में मत लेना, पकड़ी गई ना तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के घर से बाहर कर देगी और साथ में 12 के भाव में मुझे भी, समझी? देखो दुनिया को ऊपर से कौन लगा, आराम आराम से पी लीजिए गंगा जी। क्या कोई गाड़ी वाड़ी छूट रही है क्या आपकी? पता है गंगा जी, हमने क्या सुना है कि जब इंसान कोई गलती करता है ना तो उसकी हालत घबराहट के मारे कुछ ऐसी ही हो जाती है। आपने भी कुछ गंगा जी? आप हमसे नजरें तो मिलाना चाहती नहीं, तो हमने सोचा हम ही क्यों ना आपके सामने आ जाए। महीनों से शांत बैठी हमारी गुड्डन सेंस ना एकदम से एक्टिव हो गई है और हमें सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर दिखने लगा है। पहले आपने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की, आपका प्लान फेल हो गया, हम बच गए। फिर आपने अपनी वो नाम की माफी मांगकर सारा मैटर रफा दफा कर दिया और आज के लिए जो एक फ्रॉड कपल हमारे घर घूम रहा है, हमसे हमारी छोटी गुड्डन को छीनने के लिए, ये कहीं आप ही की खुजली तो नहीं है जो खुजाई भी मिट नहीं रही है? हम जब का... बच्ची का प्रेम नीचे गिरा तो सब लोग यहीं पर थे,
सिवाय आपके। और कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर से बाहर का कोई इंसान घर में आया हो। आप समझ रही हैं ना हमारे शक का कारण? सच सच बता दीजिए गंगा जी, वरना अगर हमने अपने अतरंगी तरीके अपनाने की कोशिश की ना, तो आपकी माफी का कोई चांस नहीं है इस बार। सच बताइए गंगा जी, इस बार सवाल हमारी छोटी गुड्डन का है, बोलिए। काम होता है वो हमसे करती। नहीं हुई थी गंगा जी, हाँ मेरा इल्जाम आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? बता दीजिए सच। आप रहने दीजिए सासू माँ, वो प्रेम मुझसे गिर गया था। अब इससे पहले कि आप गुस्सा करें, मुझ पे भड़के, मुझ पे चिल्लाएं, मैं खुद सफाई देती हूँ ना आपको। वो बेबी की सेफ्टी के लिए मैंने वो सैनिटाइज करने की कोशिश की, लेकिन गड़बड़ की महारानी आज पहली बार कुछ अच्छा करने वाली थी, लेकिन वो भी ठप हो गया। सैनिटाइज ज़्यादा कर दिया और हाथों से फिसल गया वो। तो ट्यूबलाइट की तरह आप ऑन हुई हैं, अब होश आया आपको? इतनी देर से कहाँ थी जब सब लोग घर में नीचे आए थे? कहाँ थी आप? कहाँ थी? मैं डर गई थी ना। वो आप तो जानती हैं ना, एजी को पता चलेगा मैंने किया ये सब, तो वो भड़क जाएंगे, मेरे पर चटनी बना देंगे मेरी। और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी सासू माँ कि मैं आपको बता सकूँ, पर आप मुझे मिली ही नहीं। माना कि घर बहुत बड़ा है सरू, लेकिन कोई फुटबॉल का मैदान नहीं है कि आप हमें ढूंढते ढूंढते भाग रही थी और आपको हम मिले नहीं। इतना झूठ बोलेंगे आप? खैर आपसे तो क्या ही बात करें, आप तो इस घर की वो बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अब हमारी छोटी गुड्डन आ गई है, तो जरा फिसलना कम कीजिए, ऐसा ना हो कि फिसलन में लाइफ टाइम घर ही बैठ जाए। असली सासू माँ! अरे सुनिए, सजाए मौत से बचा लिया है मैंने आपको, ये सर पकड़ के क्यों बैठी हुई हैं आप? सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ देखिए ना, यहीं पर ही हमारा आपका ना हिसाब चुकता। वो जो लॉकडाउन के टाइम पे आपने मुझ पे मेहरबानी की थी, याद है? सरू बहू का कहना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, जिंदल साहब के साथ, उन सब के पीछे आप ही का दिमाग है। सच बोल रही है सरविया बेबी। हनी डॉग को पानी पिलाओ। ये लीजिए। अरे हमारी जान हलक तक आ गई थी, अगर तुम उचित समय पर आकर हमें नहीं बचाती ना, तो हम तो पूरे सच की उल्टी करने ही वाले थे हीरोइनी के सामने। अरे असली सासू माँ, ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा बचा लूंगी आपको। हाँ एक उधार का चुका दिया, खुद को रैम्बो समझने लगी हो तुम? हैं ए भूलो मत, एक घर की मोगैम्बो हम हैं, बड़ी सास है हम, और हमारी सेवा करना ना तुम्हारा धर्म है, समझी? चलो पानी पिलाओ, है का पिलाओ। आज तो इसने बचा लिया, वरना 100% फिल्मी स्टाइल में घर से धक्के मार के निकालने वाली थी हीरोइन। वो डीएनए का कागजात को हमें बदलना ही होगा। अब बात सिर्फ छोटी गुड्डन को घर से निकालने की नहीं, खुद को गुड्डन देवी से बचाने की भी है।
24 घंटे में डीएनए की रिपोर्ट आ जाएंगी बेटा। न मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार हूं, न गुड्डन को सच बताने की हिम्मत है मुझ में। क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूं, गलत कर रहा हूं क्या मैं? क्या बातें हो रही हैं पापा बेटी में? कुछ नहीं, मैं बस गुड़िया को सुलाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ऐसे कर कर के आप हमारे सारे नंबर खाना चाहते हैं? इतना क्या सीरियस हो रहे हैं? मजाक कर रहे थे। आप तो प्रोटेक्टर हैं हमारे, चुटकी और हमारे सेवियर। गुड्डन नो, कांच टूटा पड़ा है। नहीं, गुड्डन क्या कर रही हो, चोट लग जाएगी। माँ बन गई हो गुड्डन, अब तो जिद छोड़ दो। कम से कम बोल रहा हूँ ना मैं, शीशा पड़ा हुआ है सारा जमीन पर और तुम नंगे पैर आ गई। जब आप खड़े हैं हमारी ढाल बनकर तो हमें क्या हो सकता है? छोटी और तुम दोनों मेरी जिंदगी बन चुके हो गुड्डन, और मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों को खो नहीं सकता। तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता, कभी नहीं। ये दूरी वाली बात कहां से आया? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कभी भी तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हमेशा अपने साथ रहूंगा तुम दोनों को, एकदम सेफ, सुरक्षित। और हम दोनों आपको सेफ रखेंगे, सुरक्षित। शायद हमें छोटी से दूर होना पड़े गुड्डन। कल जब रिपोर्ट्स आएंगी ना, तो न जाने कैसे सामना करूंगा मैं तुम्हारा। हम आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं जनरल साहब। क्या हुआ एजे, ये खतरे की घंटी इतने दिनों बाद, क्या मतलब? जो नहीं जानते उनको बता दूं कि इस बेल की आवाज इस घर में तभी गूंजती है जब मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना होता है। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने तक मैं चाहता हूं कि आप सबके फोन मेरे पास यहां जब्त रहेंगे। इस बारे में ना मुझसे कोई सवाल करेगा और ना ही मेरी तरफ से किसी को कोई जवाब मिलेगा। बात मेरी फैमिली की सेफ्टी की है और आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ऐसा नहीं है कि मैं आप सब पर विश्वास नहीं करता हूं,
लेकिन हाल फिलहाल में इस घर के कुछ मेंबर्स की हरकतें देखते हुए मेरा तजुर्बा मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। So I really hope आप सब कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। So all your phones, right here, right now. इची, बात अगर छोटी की है तो हम सब आपके साथ हैं। मैं फोन्स लेती हूँ सबके। आपसे यही उम्मीद थी मुझे लक्ष्मी बहू। फोन? नहीं, मैं नहीं दूंगी। सरू, फोन। अरे बहुत काम है मुझे। अरे तुम्हारा फोन छिन जाएगा तो देश का काम नहीं रुक जाएगा सरू। हाँ तो लीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ आपको। ले लो भाई, सारे फसाद की जड़ ये फोन ही तो है। निकालिए, आप भी अपना ये ट्रांजिस्टर निकालिए, निकालिए। एक घर वालों की मदद के लिए एक घर वाले ही तो आगे आएंगे ना। बड़ी गुड्डन ने हमें इस घर में जगह दी, इतना तो हम छोटी गुड्डन के लिए कर ही सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं। चल। थैंक यू। इस बार डीएनए रिपोर्ट्स के साथ कोई धांधली नहीं होगी। तुमने कह दिया ना, बस हो गया। डीएनए रिपोर्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी गुड्डन। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, हमारे प्लान का फेज वन तो परफेक्ट हो गया, टाइम फॉर फेज टू। हेलो रेवती। जी जीजू। ओके जीजू। सरुबो, क्या कर रहे हैं आप? कोशिश। कोशिश? हाँ, वो सुनने की कोशिश करी थी। मेरा कोई फोन आने वाला है ना, तो रिंग बजेगी तो बंद है, सुनाई देगा नहीं, तो इसलिए पास में आके सुन रही थी मैं। हाँ, तुझे तो प्रधानमंत्री का फोन आने वाला था ना। 1760 में से एक कॉल तो मेरा इम्पोर्टेंट होगा ना दुर्गा दी। हाँ, और बताइए, इनको देखिए, ये मेरा फोन छीन लिए, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करूं मैं अभी? बोरियत हो रही है कि नहीं हो रही है? सरू, तुम्हारी सारी बातें वैसे सर के ऊपर से निकलती है, लेकिन ये वाली बात जो है ना, वो एकदम समझ में आ रही है। अब देखो, लॉकडाउन हो गया है, फिर टॉकटेक भी बंद हो गया है, और फोन भी छिन गया है। अब करने क्या वाली हो तुम? हाँ, पर बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के और भी तो कई तरीके होते हैं ना। अच्छा, जैसे? जैसे आप लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए, सर्दियां भी आने वाली हैं और छोटी के पास सर्दियों के कपड़े तो हैं ही नहीं, तो क्यों ना आप सब मिलके छोटी के स्वेटर बुनने लग जाएं? मतलब आप लोगों का टाइम भी पास हो जाएगा और छोटी गुड्डन के सर्दियों के कपड़े भी तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मतलब स्वेटर बुनेंगे। लक्ष्मी, एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ बहुत सारा ऊन पड़ा हुआ है, क्योंकि आरव के लिए मैंने स्वेटर बनाया था ना, तो उसका बच गया है थोड़ा सा। मैं लेके आती हूँ। हाँ, आते वक्त चिप्स ले आना प्लीज। सरू, अपना काम खुद करना चाहिए पता है, वरना बदन में जंग लग जाता है। हाँ, हटो हटो। कहाँ फंस गई मैं? यहाँ तुम इस स्वेटर बुनो अपने बेबी के लिए,
वहां हमारे बेबी रिपोर्टवा बुनने में लगे होंगे। बहुत मजा आने वाला है।